हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल लेडी लवोशन और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आज चिंगरी मछली, जी हाँ, जिसे हम झींगा मछली भी कहते हैं। तो आज हम पहली बार उसे ट्राई करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है मेरी मम्मी, तो आज हम उनके साथ बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नारियल और क्रीम और मिल्क जैसी चीज़ें हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसे बनेगा चिंगरी मछली, वो भी मलाई वाली, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये है चिंगरी मछली, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। मैं एक उठा के दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये है इतना बड़ा। मम्मी जो है तोड़ रही हैं। तो इसका तोड़ने का प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है, इसके अंदर का जो है ना वो भी निकालना होता है। तो इस तरह से इसको तोड़ते हैं। सो गाइज, मम्मी तो चिंगरी मछली तोड़ रही थी, यानी कि झींगा मछली तोड़ रही थी। हमारे जो बिहार में है ना, इसको झींगा मछली कहते हैं। झींगा मछली जो होता है ना, छोटे छोटे होते हैं, और ये जो बड़ा बड़ा होता है ना, तो उसको शायद चिंगरी मछली कहते हैं। तो इसे तो हम पहली बार ट्राई करने वाले थे, वो भी मतलब मेरा मन था बहुत ज़्यादा खाने का, तो मैंने थोड़ा सा मम्मी का हेल्प किया। और ये चिंगरी मछली जो था, ये पूरा आधा किलो था, और चार लोगों के लिए बहुत इनफ है। मतलब आधा किलो तो बहुत ही है, ठीक है, मतलब हो जाएगा। और मुझे मम्मी ने अच्छे से सिखा दिया था, क्योंकि पहले भी मैंने झींगा जो मछली होता है ना, छोटे छोटे होते हैं, तो उसे मतलब तोड़ना मुझे आता है, तो ये बड़ा मतलब आसान था मेरे लिए तोड़ना। तो मम्मी ने मुझे थोड़ा अच्छे से सिखाया, क्योंकि अच्छे से इसको ना साफ़ करना होता है, इसके अंदर ना एक पतला सा ना रस्सी जैसा होता है, मतलब होता है कुछ, तो उसको भी निकालना होता है, अच्छे से क्लीन करना होता है। इस मछली को बनाने से ज़्यादा इसको क्लीन करने और साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत लगता है। सो ट्रस्ट मी गाइस, ये जो चिंगरी मछली, ये जो झींगा मछली जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। और मैं सच बताऊँ, ये जो बना ना उसके बाद, तो मतलब माशाल्लाह क्या ही बताऊँ आपको, इतना टेस्टी था। सो गाइज, हमने ये कोकोनट जो है वो हमने कोकोनट मिल्क बनाने के लिए कोकोनट हमने कट कर लिए हैं, और ये हमने अनियन अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। और मेन चीज़ है ये, हमने उसमें हल्दी और नमक डाल के रखा हुआ है, ठीक है, ये आधा किलो है ये, तो इस हिसाब से हमने रखा है। ये कोकोनट बनाने के लिए ये मम्मी ने यहाँ पे ये घिसा है, और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा चॉप भी कर रही हूँ ताकि जल्दी से मतलब मिल्क बन जाए। हमने धनिया पत्ता भी लिया है फ्रेश फ्रेश। ये जो प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट है, और आप देसी की देख सकते हो, ये मतलब तोड़ने के बाद कितना मतलब छोटा सा हो गया है, ये एकदम इतना ज़्यादा से इतना हो गया ये। और इसको अच्छे से मतलब हल्दी लगा के इसको अच्छे से रखना होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सो गाइस, फिश जो है वो मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी अभी जो हमारा जो मिल्क है वो रेडी हो गया है। सी, आई एम वेरी बैड एट ब्लॉगिंग, सो जस्ट इग्नोर दैट। हमारी फिश फ्राई हो रही है, ये है कोकोनट मिल्क। सो गाइज, मैं पूरा प्रॉपर प्रोसेस वाला वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी जब कभी बनेगा। लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ये मैंने प्लेटिंग कर ली। और फिलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।